कमल कर फूल हम इन धान भी काटिए ले तो कमल फूल कर खिला कर प्रयास करिए ला, और अगर कदवा करिए ले तब पर भी कमल के फूल खिला कर प्रयास करिए ला। एक एक छुआ छुआ कर दिल में और दिमाग में भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल, और हम इन तो ये बार पूरा तय कर ले ली है कि 400 पार हम इनके करे खे की बार 400 पार मोदी जी को तो आना है इस बार। झारखंड में चुनावी बिसात बीत चुकी है और सियासी तापमान जो है वो भी बढ़ चला है। हम बता दें कि नामांकन का जो दौर है वो जारी है। आज रांची लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ नामांकन करेंगे। वही नामांकन से पहले जो है इस मोराबादी मैदान में जनसभा आयोजित की गई है। हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से ये जनसभा जो है, ये विशाल जनसभा है, नामांकन जनसभा। और यहाँ पर जो है बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का जुटान देखा गया है। और जनसभा कार्यक्रम में जो है हम आपको विशेष रूप से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो मंच पर वो बोल रहे हैं वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जो अपना वक्तव्य रख रहे हैं। संजय सेठ के नामांकन प्रक्रिया में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर मौजूद है और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। और खासकर उनके समर्थन में आज बड़े बड़े नेता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी तमाम सांसद और विधायक हैं यहाँ पर बीजेपी के यहाँ पहुँचे हुए हैं, और यहाँ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ताओं का महाजुटान देखा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का महाजुटान ये किस तरह से ये एक भीड़ में तब्दील हो चुकी है। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में मंदिर बनकर तैयार हो गया है। उनकी अंदर देखिए जिस तरह से जनसभा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और वही यहाँ पर जो है पंडाल बनाया गया है। यह पंडाल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता, आसू के कार्यकर्ता, यानी एनडीए के समर्थित जो कार्यकर्ता है यहाँ पर आए हुए हैं, और साथ ही साथ जो अन्य लोग हैं यहाँ पर आम लोग वो भी आए हुए हैं इस जनसभा को सुनने के लिए। ये नामांकन जनसभा है, ये जनसभा में किस तरह से लोग अपनी बातों को रखते हैं और जो 400 पार के आंकड़े जो है वो किस तरह से पूरे होंगे, कैसे होंगे, इस पर भी जो है रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि जिस तरह से नामांकन प्रक्रिया में वो लोगों का भीड़ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि आसू का झंडा भी यहां पर लहरा रहा है, क्योंकि आसू भी जो है एनडीए में शामिल है और भाजपा का समर्थन कर रहा है। तो ऐसे में आसू का झंडा भी यहाँ पर लहराने लगा है। अब भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ अब नामांकन करेंगे, और नामांकन से पहले आज जो नामांकन जनसभा का आयोजन जो है ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में किया गया। ये एक बड़ी जनसभा थी जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आया। अब देखने वाली बात है कि नामांकन प्रक्रिया में किस तरह